अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, इस वीलॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीलॉग। तो प्लान हुआ कुछ मूवी देखने का। ईद की छुट्टियां ऐसी ही गुजर गई बारिशों की वजह से। आज मैं आई हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ देखने एक पाकिस्तानी मूवी जिसका नाम है लंदन नहीं जाऊंगा। और हम दोनों ही मियां बीवी पसंद करते हैं हुमायूं सईद की एक्टिंग को, और हम उन्हीं को सपोर्ट करने ये मूवी देखने आए हुए हैं, दी अरीना, जो कि लोकेटेड है तारिक रोड कराची में। और ये आप एंटर हो चुके हैं दी अरीना में। ये इसका जो है एंट्रेंस लुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से आप एंटर होते हैं और अब हम सिनेमा की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट विजिट है दी अरीना पे एंड आई एम स्टंड, आई एम रियली स्टंड बिकॉज दिस प्लेस इज अमेजिंग। द एम्बियंस इज सो रॉयल, सो ब्यूटिफुल, और आई जस्ट took 100 ऑफ पिक्चर्स लिटरली। बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्लीन इन्वायरमेंट है, एम्बियांस है। प्लस मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि क्राउडी नहीं है, स्क्रीन एक ही है, तो इतना रश का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक मूवी के बाद कुछ देर क्लीनिंग का टाइम होता है एंड देन अगेन नेक्स्ट स्लॉट चलती है नेक्स्ट मूवी की। और यहाँ पे काफ़ी सारी पाकिस्तानी मूवीज़ लगी हुई हैं, कुछ इंग्लिश मूवीज़ भी हैं जो आजकल लगी हुई हैं। और आप ज़रूर जाएं सिनेमा में मूवी देखने अगर आपको पाकिस्तानी मीडिया को सपोर्ट करना है, पाकिस्तानी मूवीज़ को सपोर्ट करना है, तो आप ज़रूर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जा सकते हैं दी अरीना। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा है, पॉपकॉर्न्स बहुत ही फ्रेश हैं। आई मीन मैं इतने सिनेमाज में गई हूँ लेकिन पॉपकॉर्न मुझे जो है इतने ज़्यादा फ्रेश एंड क्रिस्प कभी नहीं मिले। सो आई टोटली लव्ड माई एक्सपीरियंस। और आगे चलते हुए वीलॉग के हम मूवी की क्लिप्स भी देखेंगे और मूवी का रिव्यू भी आपसे शेयर करूँगी कि मुझे पर्सनली कैसी लगी मूवी लंदन नहीं जाऊँगा। बेसिकली हम यहाँ टाइम से पहले आ गए थे, लाइक अराउंड 1 आवर, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है दी अरीना में, तो हम दोनों को नहीं पता था। हमें लगा कि मूवी टाइम या टिकट्स ना मिलें या मूवी ना शुरू हो जाए, तो हम फॉर अ सेफ साइड हम यहाँ पे पहले आ गए। देयर कैंटीन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लीन, आप देख सकते हैं हर चीज बहुत ही अप टू डेट है, बहुत क्लीन है।
फाइनली वी आर हियर. कूल एम्बियंस और बहुत ही हसीन सा लुक मुझे लगा इंटीरियर के हवाले से. सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, लेग स्पेस काफ़ी है. हवेली में ले लूंगी, उसके लिए दिल देने की जरूरत नहीं है. And this is an interval break, or yes, I'm completely enjoying this movie. Superb acting and superb dialogues. And here the movie ends, and this is my review. You have to watch this movie with your friends and family. It's completely awesome, guys. Outstanding acting by Humayun Saeed and Mahvish Hayat. और यहाँ से हम जो है अब अपने घर की तरफ रवा दवा हो रहे हैं. इट्स अ क्लोजिंग टाइम, मुझे अपनी दवाओं में याद रखिएगा. मूवी ज़रूर देखने जाएगा बिकॉज लंदन नहीं जाऊँगा. इज़ एन इनक्रेडिबल मूवी, आपका रिच कल्चर इसमें दिखाया गया है. एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, एंड स्टोरी लाइन इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव एज वेल. दिस इज़ द पार्किंग एरिया ऑफ द अरीना विच इज़ क्वाइट कूल एंड स्पेशियस. सो अपनी नेक्स्ट मूवी का प्लान जल्दी से बनाइए. और दी अरीना बहरिया टाउन तारिक रोड कराची में ही बनाए, क्योंकि दिस प्लेस इज़ आउटस्टैंडिंग. आप लोग एक टूर ले चुके हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें.